चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि भी स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फीयर सी तीनों का मास इक्वल है, ठीक है ना। तो मास ऑफ ए इज एम, मास ऑफ बी सी ये भी एम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीनों इक्वल हाइट पे है, मतलब एच हाइट दिया हुआ है तीनों के लिए, हाइट एच है, ठीक है। एक ही टाइम पे तीनों को ड्रॉप करना है और फाइनली जो क्वेश्चन ये निकलना है कि भी कौन पहले स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन है तीनों बॉल के लिए, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज एच, है ना। स्पेशल कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो सिचुएशन अलग सा है इसमें, कि एक बॉल तो एकदम फ्री है, उसका फ्री फॉल एकदम होगा जो ए है, ठीक है। बी को हमने एक चेन से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब चेन का एक एंड, मतलब चेन इसका, चेन का भी कुछ मास है, मासलेस चेन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब चेन का कुछ मास होगा, ठीक है। एक एंड चेन का फिक्स है वॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, दूसरे फ्री एंड पे हमने इसको स्फीयर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। थर्ड स्फीयर के लिए क्या है, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है, लेकिन वहां पे चेन को मासलेस स्ट्रिंग ने रिप्लेस कर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या है, मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तीनों बॉल को एक साथ रिलीज किया जाता है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता दूं, लेंथ ऑफ द चेन इज ग्रेटर देन हाइट, इट मींस कि तीनों ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, पैसा वो बंजी जंपिंग जैसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब दिस हाइट इज लेस देन टोटल लेंथ ऑफ द चेन, मतलब फाइनली ये तीनों स्ट्राइक करेगा ही करेगा ग्राउंड को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है कि भाई कौन सा बॉल पहले स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, है ना। तो जो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि यार इक्वल मास या डिफरेंट मास अगर सेम हाइट से गिराया जाए, है ना, और एयर रेजिस्टेंस और वो सारी चीजें नेगलेक्ट करो, तो एक ही टाइम पे स्ट्राइक करती थी, है ना। यहां पे आंसर थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट और थर्ड एक ही टाइम पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, है ना, और इन दोनों को स्ट्राइक करने के पहले बी स्ट्राइक कर रहा होगा। इट मींस कि बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए और बी सी से ज्यादा है। रिजल्ट क्या है इसका, मैं एक अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार आने वाले, मतलब अगले वन मंथ के अंदर मैं इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी जरूर डालूंगा, है ना, जिसमें आप देख पाएंगे कि हाँ भी ऐसा होता है, ठीक है। बट अभी थियोरेटिकली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आएगा आपको, है ना। जैसे हमने तीनों को एक ही टाइम पे ड्रॉप किया, एक ही हाइट से ड्रॉप किया हुआ है, तीनों के लिए जो ग्रेविटी था वो बराबर था, तीनों को एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तीनों के लिए एयर रेजिस्टेंस जीरो है, तीनों के लिए विस्कस फोर्स जीरो है, ठीक है। तो जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि भाई ए एंड सी ये एक ही टाइम पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और इन दोनों को स्ट्राइक करने के पहले बी स्ट्राइक कर चुका होगा। मतलब अगर पूरा वो जो एक्सपेरिमेंटल मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको यहां से विजुलाइज आपको कराने की कोशिश करूं, तो जैसे स्ट्राइक किया सबसे पहले बी ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और उसके थोड़े टाइम बाद ये दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो हमारे को समझना है अभी, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यहां तक तो रिजल्ट तो सबके दिमाग में आ गया कि क्या है, समझ नहीं आया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। रिजल्ट ये है कि भी ए और सी बाद में आएगा, एक साथ आएगा, बी पहले आ चुका होगा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें फिजिक्स क्या हुआ कि भी अगर बी पहले पहुंचता है, इट मींस कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ सी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तीनों की जीरो है, ठीक है। तीनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो एक पहले पहुंच रहा है, इट मींस कि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, है ना। तो एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों हो गया यही हमारे को समझना है, ठीक है। तो अब देखिए, देखना ध्यान से समझना है इसको, मतलब हमारा पूरा फोकस क्या होगा, बी पे आ जाएगा, है ना, कि बी का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो गया। अगर यार ए की बात करें, है ना, तो ए तो थ्रू आउट द मोशन जी से एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। सी क्या है, वो भी थ्रू आउट द मूवमेंट वो जी से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन बी जो है वो ग्रेटर देन जी एक्सेलरेट हुआ होगा, नहीं, बड़ा एक अजीब सा केस आ रहा है, तभी तो वो पहले पहुंचा ना। तो ऐसा क्यों हुआ है ये हमारे को समझना है। बेस्ट तरीका क्या है, है ना, देखो थोड़ा विजुलाइज करना, समझना आप इसको। ये फाइनल पॉइंट है जहां तक इसको पहुंचना है, ठीक है। चेन पे एक पॉइंट मार्क कर लो, एक स्मॉल एलिमेंट ऑन द चेन मार्क करो, है ना। तो लाइक हमने ये, मतलब चेन का ही पार्ट है, इसको मैं अंदर ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, एक स्मॉल पार्ट चेन का, है ना, जिसका मास डीएम हमने लिख दिया, ठीक है, वो अंदर ऑब्जर्वेशन है हमारे भी, है ना। तो देखिए यार ये जो चेन है, चेन का ये पार्ट डीएम मास का है, तो जिस समय तुमने इसको रिलीज किया उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। जिस समय हमने बॉल को रिलीज किया होगा तो पूरा चेन भी क्या होगा,
रेस्ट पे होगा। बात समझ आ रहा है? जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा, ये जो एलिमेंट है वो भी नीचे आ रहा होगा, एट द सेम टाइम वो कुछ वेलोसिटी भी गेन कर रहा होगा। समझ आ रहा है? एक ऐसा मोमेंट होगा कि जब ये चेन ऐसा हो गया होगा, थोड़ा नीचे तक आया होगा, बॉल थोड़ा नीचे ट्रेवल कर चुका है, और ये जो स्मॉल पार्ट है वो एकदम से इस लाइन के एकदम बिल्कुल पास पहुंच गया होगा। बात समझ आ रहा है? यार देखो, यहां तक समझ आया? अब अगर ये बॉल नीचे आना शुरू होता है, तो देखो मान लो थोड़ा नीचे आया तो पूरा चेन भी नीचे आएगा, तो जो एलिमेंट ऊपर था वो अब नीचे आ गया। सपोज वही एलिमेंट ये आ गया, ये एलिमेंट है, यहां तक समझ आ रहा है? तो इस मोमेंट पे इस एलिमेंट के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी भाई, वो उसका भी तो फॉल हुआ है ना। तो जो एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था उसके पहले वाले डायग्राम में, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया था, उसके पास इस मोमेंट पे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी तो है। बात समझ आ रहा है? अब एक और फर्दर मोमेंट आएगा जब वो पार्ट बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, मतलब जो हमने यहां पे कंसिडर किया था वो मूव करके यहां तक पहुंचा। जैसे वो पार्ट वर्टिकल होगा, इस मोमेंट पे इसको रेस्ट पे आना पड़ेगा। ये जी समझना यार, देखना पहले ये यहां पे था, ठीक है, कि भी जैसे चेन को हमने रिलीज किया, देखना समझना यार इसमें क्या है। इसको मैं सीधा सीधा स्ट्रिंग से दिखा रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन था, ठीक है ना। अब इस इनिशियल पोजीशन में देखिएगा, यहां पे हमने एक एलिमेंट दिखाया था, यहां तक समझ आ रहा है? तो ये जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है, ये एलिमेंट भी नीचे आ रहा है। देखना मूवमेंट समझना कि यार जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है, ये एलिमेंट भी क्या है, नीचे आ रहा है। शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। जैसे ये एलिमेंट एकदम से सीधा हो जाता है, क्योंकि एक एंड तो फिक्स है, तो यहां से जो अटैच हो गया यहां पे रहता है वो तो फिक्स हो जाएगा, वो तो रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब चेन का वही पार्ट मूव कर रहा होगा जो इस साइड को यहां बॉल के साथ आ रहा है, और जो पार्ट चेन के जस्ट नीचे यहां पे आ रहा है वो रेस्ट पे आता जा रहा है। फाइनली अगर विजुलाइज करो तो ये बॉल नीचे आ रहा है, चेन भी नीचे आता जाएगा, फाइनली गिर जाएगा। तो चेन ये एलिमेंट जैसे जैसे चेन के इधर आ रहा है सीधा वो रेस्ट पे आता जा रहा है, क्योंकि इस पार्टिकल को मूव होने का मतलब है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मूव हो जाना, वो तो हो नहीं रहा है। बात समझ आ रहा है? तो यार ये जो एलिमेंट था इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया था, ऑल ऑफ द सडन जैसे ये वर्टिकल होता है चेंज इन मोमेंटम कुछ आ गया जो नॉन जीरो है। नहीं समझ आया? जैसे हमने स्ट्रिंग को यहां से रिलीज किया, ठीक है, तो बॉल एक्सलेट हो रहा है, तो बॉल जैसे जैसे वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो सारे पार्ट्स जो है वो कुछ कुछ वेलोसिटी गेन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अब ये सभी अगर कुछ वेलोसिटी गेन करता जा रहा है, तो ये इन सारे पार्ट के पास एक मोमेंटम है, और वो पार्ट जब वर्टिकल यहां पे आके इसके साथ अटैच होता जाएगा तो क्या होगा, रेस्ट पे आता जाएगा। देखो फाइनल तरीका यहां से आपको समझ आ जाएगा। मान लो इसको मैं कुछ ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेक्टर्स में दिखा दूं आपको, ऐसा ये बॉल था, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, सपोज हमने यहां से थर्ड को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, जैसे रिलीज किया ये थर्ड कुछ वेलोसिटी गेन करता जाएगा, है ना। एक टाइम आएगा जब ये सभी क्या हो जाए, सीधा आ जाए, और थर्ड भी इसके सीधे लाइन में आए, मतलब ये पार्ट जब यहां आता है तो रेस्ट पे हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये पार्ट जब जस्ट यहां आ रहा होगा तो आने के पहले कुछ वेलोसिटी होगी, और जैसे वो इसके साथ वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो यार चेन के हर एक पार्ट पे कुछ मोमेंटम है, और वो जैसे वर्टिकल हो रहा है वो रेस्ट पे आता जा रहा है, मतलब हर एक पार्ट पे वो चेंज इन मोमेंटम दिखता जा रहा है। और जब भी चेंज इन मोमेंटम होता है तो बिना फोर्स के हो नहीं सकता, वो फोर्स कहां से आया, टेंशन इन द चेन। बात समझ आ रहा है? मतलब उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए इस स्ट्रिंग में, इस चेन में क्या हो गया, एक टी डेवलप हो गया। समझ आ रहा है? और टी डेवलप हो गया, टेंशन मैंने पढ़ा हुआ है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यार इस बॉल पे एक टेंशन भी आ गया,
भी, क्योंकि ये चेन बॉल से यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अगर ये चेन बॉल से अटैच्ड है तो बॉल पे टेंशन ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे इधर टेंशन आ रहा था जो उसके मोमेंटम को कम कर रहा था, ठीक है ना। तो किसी टाइम पे बॉल पे रिलीज करने के बाद, जिस समय रिलीज किया उस समय एग्जैक्ट जी एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब चेन के किसी अलग अलग पार्ट का मोमेंटम जीरो होता जा रहा है उसकी वजह से टी डेवलप हुआ है। तो अब बॉल पे क्या है, टी भी है और साथ में कुछ एम जी भी, और टी ये क्या है, नॉन जीरो है। तो जो नेट फोर्स है टी प्लस एम जी हो गया, और ये क्या होगा, एम ए। इट मीन्स कि टी अगर नॉन जीरो है, इफ टी इज नॉन जीरो देन ए क्या हो गया, ग्रेटर देन जी होगा, नहीं तो क्या होगा, बी पहले स्ट्राइक करेगा देन वो दोनों स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और इसको मैं एक्सपेरिमेंटली भी वो प्रूव करके दिखाऊंगा एक डेमोन्स्ट्रेशन से, है ना। इसको देख लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा, नया कह सकते हैं, नया है बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है।